नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा मैक्सिमा मिनिमा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, इवन फिजिक्स के क्वेश्चंस भी करते हैं, तो प्लस वन से ये टॉपिक कहीं पे भी लगता आ रहा है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, कहीं इशू आएगा तो बताते रहना। और इसके जो दो मेथड हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, दोनों को करेंगे। पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट है, एफ इज सेट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। क्या बोला इसमें कि हमारे पास पूरे इंटरवल के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जहां पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी पूरे गिवन इंटरवल को कंपेरिजन में। सिंपल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो गया ये, याद करो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी तो यही था कि अगर एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू हम कंपेयर करते हैं, इफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन तो एफ ऑफ एक्स टू शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन एक्स टू, हम कहते थे पॉइंट ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था। यहां हमने उस कंसेप्ट को हटाकर क्या लगा दिया कि अगर मेरे पास एक गिवन इंटरवल है, मान लो 1 से लेकर 10 तक है, और मेरा कोई एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, तो यहां कोई एक पॉइंट है, यहां तो 10 दिख ही रहा है मुझे, कि अगर मैं वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वो वैल्यू पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल कहानी है। तो एफ इज सेट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, अगर कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा पूरे इंटरवल में, वो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा कहीं भी एग्जिस्ट करेगा किसी भी सिचुएशन में, जो कि पूरे, अगर उस पॉइंट की मैं बात करूंगा, उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर एफ ऑफ सी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 10 था और एफ ऑफ 10 की वैल्यू 100 थी, वो मैक्सिमम वैल्यू थी फंक्शन की। समझ भाई, सिंपल बात है अभी तो ये। इफ एफ इज सेट टू हैव अ मिनिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ सी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 0 टू 10 था तो 0 ले लो, 0 का स्क्वायर, तो सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एफ ऑफ सी इज मिनिमम वैल्यू। सिंपल बात है यहाँ पर। इफ एफ इज सेट टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ सी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई, मतलब या मिनिमम हो जाए या मैक्सिमम, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज, मिनिमम और मैक्सिमम को। द नंबर ऑफ एफ सी इन दिस केस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ इन आई एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट। डन, सिंपल बात है, इसमें कुछ खास कॉम्प्लेक्स नहीं किया। इसका एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं और उसके बिहाफ पे फिर इसको समझेंगे। जो इस चैप्टर में से आना है वो डेरिवेटिव बेसिस पे जो टेस्ट आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप के कम आते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए करने ज़रूरी हैं। तो देखो एक बार, ये हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। डन, तो हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है और इन्होंने बोला फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं इसको सिंपल ग्राफ से भी समझने की कोशिश करूं तो मुझे एक बात पता है बच्चा, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ऐसा ही बनता है ना अपने पास जो ग्राफ होगा। बेटा ये पैराबोला का ग्राफ है, याद होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद है तो बना के देख लो। एक्स की वैल्यू चाहे प्लस डालो चाहे माइनस डालो, वाई तो हमेशा पॉजिटिव आना है। दो तीन वैल्यूज डाल के भी आइडिया लगी सकते हैं, चार वैल्यू पांच वैल्यू डालोगे तो हो ही जाएगा उससे। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं है, किसी को परेशानी? ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स की वैल्यू अगर जीरो डाली तो एफ ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, जीरो।
वाई की वैल्यू ज़ीरो आ गई। क्या तुम ऐसी कोई वैल्यू इससे कुछ ऐसा डालो जीरो से छोटी आ जाए वाई की वैल्यू, डाल के बताओ है कुछ ऐसा? जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आएगा नहीं, स्क्वेयर है वो। जो मर्जी एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई की वैल्यू सबसे छोटी कोई आ सकती है तो ज़ीरो आ सकती है ना, क्योंकि स्क्वेयर की वैल्यू नेगेटिव में तो जाने से रही। तो हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो जो रहेगा हैव मिनिमम वैल्यू, हैव मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्या आया? इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा, कोई दिक्कत? ठीक है। और एफ के अंदर अब मैक्सिमम बताओ जरा क्या आएगा? मैक्सिमम पे कहाँ आएगा? इन्फिनिटी, जाता ही जाएगा, अनंत समय तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये रुकेगा थोड़ी। तो इसका कोई एक एक्सट्रीम डिफाइन ही नहीं है। तो नहीं डिफाइन है तो हम इसको क्या लिखेंगे? जो फंक्शन है उसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, एफ हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कोई डिफाइन वैल्यू नहीं है। इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है वो, तो नॉन डिफाइंड वैल्यू तक जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे कि कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी नहीं है, हेंस हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इन ऑफ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आर। क्लियर बात हो चाहिए, डन है? हाँ, इंटरवल देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरवल वाला ही कर लेते हैं अभी, ठीक है? जैसे सेम क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपने पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक्स का इंटरवल स्पेसिफाई कर दिया। इंटरवल में हमारे पास क्या आ गया? -2 से 1, ठीक है? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब इसमें हमारे पास क्या हो गया? इस क्वेश्चन में लिमिट्स हमें डिफाइन कर दिया, उसकी एक्स की डोमेन फाइनल कर दिया, मतलब फंक्शन की। तो उसके लिए बताओ आप, तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम एंड मिनिमम है ना। देखो सीधा है बच्चा, क्या होगा? एफ ऑफ अगर मैं -2 डाल दूंगा तो -2 का स्क्वायर इज 4, और अगर मैं एफ ऑफ 2 डाल रहा हूँ तो कितनी वैल्यू आ रही है? 4। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? 1। एक काम करो, बीच की कोई और वैल्यू डाल के देखना जरा, एफ ऑफ 1 डाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है? अगर मैं एफ ऑफ, एक सेकेंड, सॉरी, एफ ऑफ 1 एक्सट्रीम है ना वो, अगर मैं वो डाल रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? 1। क्या 1 और 4 से छोटी वैल्यू किसी सिचुएशन में आ सकती है? 0 पे आ सकती है कि नहीं? इसी गिवन इंटरवल में 0 पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। समझ में आई ये बात? नहीं पता चल गया ना? -2 से 1 है बेटा, वो इंटरवल है पूरा, ठीक है? तो इससे हमें एफ ऑफ एक्स पे क्या आया? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बच्चा इसकी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ एफ इज 4, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज -2, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 0, और पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 0। डन, किसी को परेशानी? तो ये हमारे पास क्या है बच्चा, जिसमें हमने कोई डेरिवेटिव नहीं लगाया, हमने सीधा सॉल्व किया। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसके रूल्स बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं? अगर इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन changes its sign from positive to negative as x increases through the point C, that is if f dash x is greater than 0 at every point close to left of C, मतलब left of C पर positive
और राइट ऑफ सी पर नेगेटिव, तो सी को हम क्या कहेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या हुआ, सी एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, छोटी वैल्यू, मतलब जब क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ी छोटी वैल्यू ले रहे थे तो वो क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही मैंने क्रिटिकल पॉइंट बढ़ाना शुरू किया राइट हैंड साइड पे आया तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू स्विच कर गई, नेगेटिव हो गई। यानी कि मैं अब जितना क्रिटिकल पॉइंट से राइट साइड पे जाता जाऊंगा, जितना उस क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू डालता जाऊंगा, उतने मेरे डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव में होती जाएगी कि नहीं, यानी कि छोटी होती जाएगी। तो जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू थी उस वक्त, जो फंक्शन की वैल्यू थी वो मैक्सिमम थी कि नहीं, समझ में आई? तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सी इज द पॉइंट ऑफ, सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। समझ में आई ये बात? जैसे एक एग्जांपल फिर से बता रहा हूं, देखो जरा, ये हमारा नंबर लाइन है सीधा सा, यहां पर मैंने क्रिटिकल पॉइंट क्या ले लिया है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हमने मान लिया है 2, सी इज इक्वल टू 2। अब मैं 2 नेगेटिव पे जब ले रहा हूं, 2 नेगेटिव मतलब स्लाइटली लेस देन 2, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। मेरे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। लेकिन मैं जैसे ही सी 2 पॉजिटिव पे आ जाता हूं, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 2 पे आता हूं, दैट इज 2.0001 पे आता हूं, तो मेरा फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू साइन स्विच कर लेती है, नेगेटिव हो जाती है। हो सकता है क्वेश्चन के बाहर नेगेटिव लिखा हो, कुछ भी वो कंडीशन बताएगी ना क्वेश्चन की, वो तो हम LHL की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो क्लियर दिखेगा अभी तुम्हें उसे, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है, अगर हमारे पास हमारा जो फंक्शन होता है वो अपना बिहेवियर चेंज करता है LHL और RHL पर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट सब्सटीट्यूट करते ही डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है तो सी को हम पॉइंट ऑफ, सी को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। डन है? अगर उल्टा हो जाए, उल्टा क्या, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्स एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट डालते हुए तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट डालते हुए हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे जैसे क्रिटिकल वैल्यू में इंक्रीज आया, डेरिवेटिव के वैल्यू में भी इंक्रीज आया, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ कि नहीं, जैसे, तो सी को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जैसे यहां पे हमने क्या कहा, जब हमारे पास LHL था एक्स गोज टू सी, दैट इज 1.999, 2 के हल्का से लेफ्ट में, तो डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव थी। जैसे ही 2 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे ही 2 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाती है, तो पॉजिटिव आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। किसी को दिक्कत? ठीक है, तो जिस टाइम पे वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करता है, जब एक्स इंक्रीज करता है, तो हम कहते हैं कि सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है तो हम कहते हैं सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। डन है? अगर हमारा फंक्शन साइन चेंज ही ना करे लेफ्ट टू राइट जाते हुए, कुछ फर्क ही ना पड़े, कांस्टेंट फंक्शन हो, तो उसको क्या कहते हैं, सी इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आई है ये बात? ठीक है, अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा को अगर हम विजुलाइज करें, जैसे ये ग्राफ चल रहा है अपना, तो ये क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश सी वन जीरो, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। तो यहां पर ये पॉइंट जो है, जैसे जैसे डेरिवेटिव देखो मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पे आके, क्योंकि बढ़ता जा रहा था, इसके बाद वो नेगेटिव होता जा रहा है, यानी कि हमारे पास इस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, सिमिलरली इस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो एक ग्राफिकली विजुलाइज किया हुआ है हमने उसे। अब इसका एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो जरा, हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो लिखो, यहाँ क्वेश्चन में है, फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो हमारे पास स्टेप क्या है बच्चा, सबसे पहला है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 3x² - 3, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना होता है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया उसको इक्वेट करो जीरो के साथ, ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें। 3 कॉमन ले लेते हैं, x² - 1 = 0, है ना,
तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस वन और माइनस वन, यही आएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस वन आ गई। और हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के x की वैल्यू प्लस वन और माइनस वन आई कि नहीं, किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। अब ना एक काम करते हैं, अब हम एक बार नंबर लाइन बना के और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को चला के देखते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे ये हमारी नंबर लाइन आ गई है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं जा रही होगी। इसके अंदर हमारे पास पहला पॉइंट कौन सा आता है क्रिटिकल, माइनस वन। दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, प्लस वन। इन्हीं के आसपास हमें देखना है, हमें वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, डेरिवेटिव के अंदर। इसको चाहे रफ में वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है, जैसे हमारे पास टेस्ट पॉइंट डालते थे ना, सेम वही फंडा हो गया जैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर टेस्ट पॉइंट का फिनोमेना था। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, पहले माइनस वन के लिए डाल के देखता हूँ। जब मैं डेरिवेटिव में LHL मतलब एट x इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब c की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू माइनस वन के अलॉन्ग देखूंगा, तो पहले कहाँ देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखूंगा तो लिमिट x गोज टू माइनस वन नेगेटिव। माइनस वन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे, माइनस वन नेगेटिव मतलब माइनस वन से थोड़ी छोटी, मतलब क्या हुआ, माइनस 1.0001 नेगेटिव में माइनस वन से छोटी का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज उससे बड़ी वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऐसा ही होता है। तो माइनस 1.001 डली कि नहीं, तो ये हमारे पास फंक्शन में डेरिवेटिव वाली वैल्यू में डाल के देखो क्या था, थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यही था ना, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यही था लिमिट एक्स गोज टू माइनस वन नेगेटिव, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बच्चा क्या आ रहा है, थ्राइस ऑफ माइनस ऑफ 1.0001 माइनस ऑफ 1.0001 माइनस वन। बेटा हमें क्या करना है, LHL क्या होगी माइनस वन के, इधर वाली वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली सबसे छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा, लिमिट जैसे डालते हैं। और ये तो हमें दिखाना भी नहीं होता, ये तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं बस। बल्कि अब एक बात बताओ, ये वन से तो बड़ी ही होने वाली है नेगेटिव में, जो मर्जी डाल दो। जैसे ये बच्ची बोल रही थी कि मैं माइनस 1.0002 डालूं, वैसे तो एक्सट्रीम लेफ्ट 001 ही डलेगी, बट फिर भी अगर जो 2 भी डालते हो वो 1 से तो बड़ी ही वैल्यू डलेगी। तो ये आंसर क्या आया, 3 इंटू नेगेटिव, और ये माइनस माइनस क्या आया, माइनस माइनस प्लस, पर साइन तो नेगेटिव का ही आएगा, तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया कि नहीं, आंसर पॉजिटिव आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट के लिए देखूं, लिमिट एक्स गोज टू माइनस वन पॉजिटिव एफ ऑफ एफ डैश एक्स, तो इसमें लिमिट एक्स गोज टू माइनस वन पॉजिटिव एंड x प्लस वन एक्स माइनस वन होल इंटू थ्री, ऐसा, हाँ सॉरी अभी ठीक कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास x माइनस वन डन है ये। तो अब इसके अंदर वैल्यू डालो बच्चा, आर एच एल में क्या आएगा, माइनस वन से बड़ा, माइनस वन से बड़ा मतलब 0.0009 विद नेगेटिव साइन, माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा छोटा उससे, पर साइन नेगेटिव का ही, 0.009 विद नेगेटिव साइन, यही हुआ ना। जब मैंने वैल्यू डाली क्या आया, माइनस ऑफ 0.9999 प्लस वन माइनस 0.9999 माइनस वन, ऐसा कुछ। तो एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या आएगी बच्चा, 3 इंटू पॉजिटिव, और वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल गई, नेगेटिव आई कि नहीं। तो अब जैसे ही हमारा फंक्शन LHL से RHL की तरफ बढ़ा, तो हमारे डेरिवेटिव ने पॉजिटिव से नेगेटिव पे अपना बिहेवियर चेंज कर दिया कि नहीं। तो यानी कि हमारा फंक्शन क्या बन गया, इस पॉइंट पे C इज इक्वल टू माइनस वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यही थी एज पर दी डेफिनेशन, कि अगर हमारा LHL से RHL आते हुए अपना फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट x के इंक्रीज, क्रिटिकल वैल्यू के इंक्रीज होने के साथ खुद साइन स्विच कर जाएगा, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक। अब हम किस पे देखेंगे, प्लस वन पे। चलो भाई अब देखते हैं
एक्स इज इक्वल टू प्लस वन के अलॉन्ग। तो जब मैं प्लस वन के अलॉन्ग देखूंगा, डालो वैल्यू प्लस वन के अलॉन्ग, पहले एल एच एल लिख लेते हैं, लिमिट एक्स गोज टू वन, नेगेटिव वन नेगेटिव थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। वन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, स्लाइटली लेस देन वन, स्लाइटली लेस देन वन मतलब 0.9999 प्लस वन इंटू 0.9999 माइनस वन, कुछ ऐसा। तो देखो ज़रा ये क्या बनेगा बच्चा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर आया नेगेटिव। और जब मैं आर एच एल में डालूँगा वैल्यू, लिमिट एक्स गोज टू वन पॉजिटिव, थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये डलेगा थ्राइस ऑफ 1.00001 प्लस वन, 1.00001 माइनस वन। तो ये क्या आएगा बच्चा, पॉजिटिव, और ये क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो हमारे पास वैल्यू दोनों बारी में पॉजिटिव आ गई, ये वाली ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, मतलब जैसे जैसे हमारे क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि इस पॉइंट पर c इज इक्वल टू प्लस वन पर हमारी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम थी, तो इसको क्या कहेंगे, c इज इक्वल टू प्लस वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। किसी को परेशानी बचा, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा लास्ट, जिसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे आसान और सबसे ज़्यादा, मतलब अगर जो तुमसे कोई ना कहे कि किस तरीके से करना है तो इस वाले से करो, सबसे इजी पड़ता है अपने पास, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो देखो इसमें हमारी स्टेप्स क्या होती हैं बच्चा। सबसे पहली स्टेप, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, मैं इसमें वो थ्रेटिकल नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा बता रहा हूँ। देखो हमारे पास पहली स्टेप क्या है, फंक्शन गिवन है, चलो है वो, तो इसमें अब हमारे को फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फंक्शन का निकालो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किया, इक्वेट करो जीरो के साथ, और यहाँ से क्या निकालो, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, एक्स की वैल्यू सी निकल गई। फिर क्या करना है, फंक्शन का निकालो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, निकाल दिया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर आया सी पॉइंट। अब उस डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर वो क्रिटिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कर दिया। अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन जीरो आ जाए, दिस इंप्लाइज सी इज द पॉइंट ऑफ, सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये ध्यान रखना, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। एंड एफ ऑफ सी, डायरेक्ट फंक्शन में सी डाल दूंगा, तो इसको क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हमारे पास है, उसके बाद अगर मैं डबल डेरिवेटिव के अंदर सी की वैल्यू डालूं और वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, दिस इंप्लाइज सी इज द पॉइंट ऑफ, सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, डन है। और एफ ऑफ सी जो आएगा वो क्या होएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। किसी को परेशानी, बिल्कुल ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, सर अगर जीरो भी इक्वल हो गया तो फिर वो भी ठीक है। हाँ वो इन्फ्लेक्शन आ जाएगा अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो हमारे पास, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे देख चलते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व। चलो बच्चा इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कुछ नहीं, इन्होंने बोला है कि सीधा हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फंक्शन का निकालूंगा डेरिवेटिव, करो फोर थ्री ज़ार
12x की पावर 3 माइनस 24x प्लस डन। तो अब डबल डेरिवेटिव करने से पहले क्या करें, फंक्शन को इक्वल्स टू जीरो रख लें। तो 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू जीरो। 12x मैंने कॉमन ले लिया तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करो, एक तो आएगा x इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर को जो हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो एक तो आ गया x इज इक्वल टू जीरो, एक आ गई वैल्यू x इज इक्वल टू 1 और एक आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2। ये तीन फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास। तो इन तीन फैक्टर्स के बाद अब हमारा अगला काम क्या बचे, फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना। तो तभी तो उसके अंदर वैल्यू डालेंगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर, क्रिटिकल कर लो अगर उससे करना है तो। मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एग्जांपल करा रहा हूँ, नहीं बताया होगा तो जो मर्जी मेथड लगा सकते हैं, अगर बताया गया है कि स्पेसिफिकली तो उसी मेथड से करना। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें स्पेसिफाई नहीं किया तो जिस मर्जी मेथड से कर सकते हो। हाँ ये ज़्यादा इजी है, वो लेंदी रहता है LHL RHL वाला। इसमें सीधा डबल डेरिवेटिव करो पहले, 12 3 36x² प्लस 24x है ना 24x माइनस 24, ये आ गया डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। अब पहले एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव के अंदर c की वैल्यू डाल के देख लेते हैं, जीरो है ना, x इज इक्वल टू जीरो डाल के देख लेते हैं। तो जीरो डालो तो क्या आया हमारे पास, माइनस 24, दैट मीन्स लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो होने का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 12, यही आएगी। फंक्शन के अंदर x की वैल्यू जीरो डाल दोगे तो हमारे पास सिर्फ 12 बचेगा कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू प्लस 1 पे, डबल डेरिवेटिव में 1 डाल के देखो बच्चे क्या आ रहा है, 36 प्लस 24 माइनस 24 विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो f ऑफ 1 क्या आएगी, इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। फंक्शन में डाल के देखना जरा कितनी आ रही है बच्चा, f ऑफ 1 से फंक्शन में डाला 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12 7 नहीं आ रही है ना, 7 आ रही है, डन है। और अब हमारे पास क्या है, एक f ऑफ 2 के अलॉन्ग और देख लेते हैं, है ना, f ऑफ 1 पे आ गया। अब करो f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 पर, तो जब मैंने फंक्शन की वैल्यू 2 थी माइनस 2 थी माइनस 2, तो माइनस 2 सब्सटीट्यूट करके देखो बच्चे, जब मैंने डबल डेरिवेटिव में माइनस 2 सब्सटीट्यूट किया था आया 36 इंटू 4 प्लस 24 इंटू माइनस 2 माइनस 12, क्या आ रही है वैल्यू, साफ दिख रहा है पॉजिटिव आ रही होगी, है ना, पॉजिटिव आ रही है, नहीं 36 इंटू 4 और इसको सॉल्व करना बच्चे कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 36 इंटू 4 बड़ी वैल्यू आ रही है 48 से, तो दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो, है ना, पॉजिटिव आ रहा है। अरे बच्चा ध्यान से देखो, पॉजिटिव आएगा अगर हमारे पास तो x तो हमारे पास क्या आ गया, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव आ रही है तो माइनस 2 भी क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, डन है। एंड अगर मैं अब इसको देखो पूरा, और f ऑफ माइनस 2 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, इज लोकल मिनिमम वैल्यू, डन है। अब वैल्यू क्या निकलेगी, f ऑफ माइनस 2 सब्सटीट्यूट करना बचे फंक्शन के अंदर, डाल के बताओ वैल्यू डालो इसमें फंक्शन के अंदर 3xp पार 4 वाले में, सॉल्व करके आ रहे हैं
20 आ रही है बच्चा, माइनस 20। तो इसे लिखेंगे कैसे, 1 एंड माइनस 2 आर द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड 7 एंड 20 माइनस 20, 7 एंड माइनस 20 आर द मिनिमम वैल्यूज रिस्पेक्टिवली, आर मिनिमम वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। किसी को परेशानी? इसके बाद हमारे पास ना एक आता है बच्चा जो इंटरवल्स का गेम है इसके अंदर। जैसे अगर हमें स्पेसिफिकली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन क्लोज्ड इंटरवल अगर हमें गिवन होती है तो वाला रूल समझो एक बार। अब हमारे पास है बच्चा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल वाले में हमारे पास सबसे पहली स्टेप सेम वही फंक्शन का निकाला डेरिवेटिव, सेकेंड स्टेप डेरिवेटिव को किया इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की कुछ वैल्यूज निकल जाएंगे C1, C2 अप टू सो ऑन, जो भी हमारी क्रिटिकल वैल्यूज निकल के आएंगी। स्टेप 3, टेक द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आउट ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2 अप टू सो ऑन, एफ ऑफ बी तक, ए और बी के बीच के इंटरवल की वैल्यूज लेंगे ना, ए और बी, जैसे 1 से 10 था मान लो, हमारे पास जो इंटरवल था वो क्या था 1 से लेके 10 तक का, तो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज आई है वो 2, 3, 4, 8 कुछ भी आई, तो उन सब की हमने वैल्यूज निकाल ली, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 8 जो भी आई और एफ ऑफ 10 तक वाली सारों की वैल्यूज निकाल ली। वो वैल्यूज निकालने के बाद द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑब्टेंड आर रिस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट जो मैक्सिमम आएगी और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब दिख रहा है यहाँ लोकल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द स्मॉलेस्ट और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन है बस, इसको करते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। यहां हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमारे पास पहला काम क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डन है। डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगे बच्चा, कहाँ कहाँ पर आती हैं, 0, 90 पे और 270 पे, है ना। तो हमारे पास पर इंटरवल कौन सा है, सिर्फ पाई से 2 पाई, तो 90 वाले को तो ले ही नहीं सकते, तो ये हमारे पास सीधा आएगा 3π/2 वाले इंटरवल, सिर्फ एक ही वैल्यू आती है ये। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ मुझे कहाँ से कहाँ पुट करके देखनी है, पाए 3π/2 एंड पाए, यही निकला कि नहीं, पूरा जो हमारा इंटरवल था, हाँ सॉरी 2π, है ना, यहाँ तक पुट करके देखनी है मुझे, कोई परेशानी। तो एक बार f ऑफ पाई पुट करो बच्चा, f ऑफ पाई पुट किया तो साइन ऑफ पाई 0, f ऑफ 3π/2 पुट करो, साइन ऑफ 3π/2 की वैल्यू कितनी आती है बच्चा, -1, और फिर f ऑफ 2π पुट करो, साइन ऑफ 2π की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई है फंक्शन की 0, और लीस्ट वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो आ गई है -1। तो x इज इक्वल टू 3π/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, डन है बच्चा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इसके, ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। इसी के साथ पूरा मैक्सिमा मिनिमा का इंट्रो खत्म हो जाता है।